ब्लेड का और ग्राइंडर से दूरी एक जैसी रखनी है, दोनों तरफ पहले चेक करके देख लें, दोनों दिशाओं में ब्लेड और ग्राइंडर स्टोर की दूरी एक जैसी होनी चाहिए। ओके, नो स्टार्ट। बी श्योर कि आपके ब्लेड्स की चाल उल्टी होनी चाहिए। पक्का कर लें कि आपके ब्लेडों की चाल उल्टी है, उसके लिए आपको कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि ये नए ब्लेड हैं इसलिए हम इनको ग्राइंड करके नहीं दिखा रहे, जस्ट आपको सिर्फ उदाहरण दिया जा रहा है। व्हाट इज दैट? ग्राइंडर के स्टोन को एडजस्ट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए है, और उसको बाद में जहाँ आपका डिस्टेंस फिक्स हो जाए उसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। अब ये इस मोटर को दाएं या बाएं करने के लिए उसकी स्पीड कितनी रखनी है? उसकी दो स्पीड हैं, एक स्लो है एक हाई है। स्टार्ट दिस। हाँ, इस बटन से ग्राइंडर की मोटर चालू होगी। When we finalize that sharpening is okay now. When we find that now sharpening is okay. 就是说那个换一遍过一遍过一遍，他找口，他找口，我找口，有的地方，麻烦停了。 你看现在咱们摸好的刀口都是这个样的，要是有不摸到的就能看得出来。有些地方没摸起来的话再进一点，再进去再就是说那个 checking the blade that all the blade are polished great, जब सभी ब्लेड पॉलिश हो जाएं तो आप रोक के चेक कर सकते हैं कि एक जैसे पॉलिश हो गए हैं कि नहीं हुए। Start again. दोबारा चलो।开始开一下，你开一下。 How many usually how long time need to grind? How long time? 咱们那个
this device, how many minutes we can use? फिफ्टीन मिनट तक आप इसको ग्राइंड होने दीजिए। पंद्रह मिनट बाद आप चेक कर लीजिए, अगर आपके सभी ब्लेड ग्राइंड हो चुके हैं तो आप इसे बंद कर दीजिए। दिस रिंग इज फॉर ओए Anyhow, this ring is for manual adjustment. This ring is for manual adjustment. Manual. आप जब इस डिवाइस को इंस्टॉल कर रहे हो तब हाथ से पहले इस रिंग को घुमा के ब्लेडों की समानांतर दूरी चेक कर सकते हैं। लगभग 15 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए, आपके ब्लेड शार्प हो चुके होंगे।